नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एस अर्जुन, मैं एडुटेनर नितिन एस द्रोणाचार्य आपका स्वागत करते हैं। कैट 2022 के क्वांट के स्लॉट वन से लिया गया ये क्वेश्चन, जो क्वाड्रिलेटरल इक्वेशंस का है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में कुछ चर्चा कर रहा है। नाम सुनकर के बहुत ही खतरनाक लग रहा है सर। क्वेश्चन में क्या छुपा रखा आपने इसमें? खतरनाक नहीं है, हाँ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मतलब कि मैं भी बना पाऊंगा। हाँ तुम बना सकते हो, देख बिल्कुल रहे हो सर, ठीक को है। मैंने एक बार ऐसे भाई बिना दे मौका दिया, सर ने वहां भी बेइज्जती कर दी। हाँ तुम भी बना लोगे शायद। बहुत बुरे लग रहे हो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तुमने ये क्वेश्चन बना लिया ना, तो मैं आज तुमको एक बहुत ही बढ़िया गुरु दक्षिणा दूंगा। सर का ना समझ में नहीं आता, अभी उन्होंने बोला तुम बना लोगे और फिर बोल रहे अगर तुमने बना लिया, मतलब सर मुझे चेतावनी भी दे रहे हैं और मुझे चैलेंज भी कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इस कमेंट में जाओ और जाकर के इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो, बिफोर लालजी बच्चों की तरह जंप करके फटाफट जो सॉल्यूशन देख लेते हो उसके पहले। और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के जो मेहनत हम करते रहते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज कुमार अंशु वापस गुरु दक्षिणा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। तो क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी हैज साइड ए डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, जिसमें बी ए डी बैड एंगल जो है 90 डिग्री का दिख रहा है सर, और बी सी, बी सी से कुछ और याद आ गया, सत्संग जाते हैं प्यारी समझ गई। बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपीजियम इज 36 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। सर मेरे को ना विजुअलाइजेशन करने के लिए थोड़ा हेल्प करिए, अगर एंगल बी ए डी 90 डिग्री, यही तो गलती कर रहे हो क्या? ये ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस ना, ज्यादातर तो लोग क्या पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, जैसे उनको क्वेश्चन दिखाई देता है ना, हाँ तो डायग्राम ड्रॉ करने की जगह क्या करते हैं ना, बस उसको घूरते रहते हैं। उनको लगता है कि घूरते रहने से ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चोरी के पीछे का, ओहो सर आप गजब बेइज्जती है। Okay. चित्र चित्र बनाना पड़ेगा भाई। तो सर मैं आपको बता दो चित्र मैं कैसे स्टार्ट करता। हाँ? मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि बी ए डी जो बैड एंगल है ना वो 90 डिग्री, ए जो है वहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यस उसको मैं ए बोलूंगा, बी ए डी डी। और अब ये ट्रेपीजियम है जिसमें ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो बी के साइड में सी आए, एंड दैट्स अ फिगर। हाँ हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक तो झाड़ू लगाओ। इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन की फीलिंग दे रहा था सर, आपने सफाई करवा दी यार। तो ये लीजिए हमारा ट्रेपीजियम आपकी आंखों के सामने रहा। तो सर इसमें ए बी सी डी लिख देते हैं, ठीक है, एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री सर। द लेंथ ऑफ ए डी इज व्हाट, 8, एंड बी सी इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज 3। यस सर। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाइट इज ए बी, ए बी, दैट्स द हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम इज एच। यस ओके, नाउ सॉल्व इट। क्या बोला तूने? तो सर अब मैं आता हूं फिर से। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपीजियम इज 36 सेंटीमीटर, सर पेरीमीटर मतलब वो चारों भुजाओं का सम होता है ना सर, बिल्कुल, तो एच प्लस 3 प्लस 8, तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सीडी का क्या करे सर? सीडी फाइंड आउट करो। तिरपट मार गया सर, ये क्या करे सर, ऊपर से परपेंडिकुलर मार दे क्या? नहीं, अब देखो व्हाट इज द पेरीमीटर, दैट इज 3 प्लस 8, 11। यस सर, 11। हाँ, प्लस एच प्लस सीडी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? That is equal to 36. So what is the length of CD now? 25 minus H. 25 minus, oh, yes. So that is 25 minus S. Again, हमेशा बोलता हूँ, minimize the number of variables. अब height अगर आ गई तो शायद area आ जाएगा। हाँ, area of trapezium पूछ रहे सर, उसको तो मेरा फलाला formula का बुलबुल हो गया सर मेरा। ये victim card है, जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। क्या होता है formula? Area of the trapezium is always equal to half into sum of parallel sides. Sum of parallel sides, that is AD or BC. Plus BC. Okay. Into distance between the two parallel sides. What is the distance here? H. 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 So that is H. And AD and BC are 8 and 3. Haan. Yes or no? So 11. 11 by 2 into H. So that is my area. Sir, H to pata hi nahi lekin apne ko. So H calculate karo. Socho kya dikhai de raha hai yahan. सर से मेरे को तो सिर्फ एच एच ही दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसके अलावा। अच्छा, पीछे देखो पीछे। अब एच है यहाँ पे, 25 माइनस एच है, तो ट्रेपीजियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, okay. हमेशा ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करने चाहिए। कहाँ से? पीछे तू देखो। सी से, सी से, सी से,
तो सी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ओके, लेट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओ, और ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया पी. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीपी? सीपी इज इक्वल टू एच. दैट्स राइट, सीपी इज इक्वल टू एच. जब आई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एपी? एपी 3 हो गया. यस सर. सो एपी इज इक्वल टू 3. एंड व्हाट इज पीडी? पीडी तो फिर 8 माइनस 3 हो गया. दैट इज राइट, 5. नाउ व्हाट इज ट्राइंगल सीपीडी? सीपीडी इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. यस सर. ओके, इट्स अ राइट ट्राइंगल. सो कैन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? हाँ सर, कर तो सकते. व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? सो 5 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एच होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 25. अब इससे एच का इक्वेशन सॉल्व करके अपन निकाल सकते हैं ना. जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लो. देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक बनेगा, बट एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं. नहीं, एच स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है ना, तो हो जाए 625 माइनस 25 टू और 15 टू एच, तो 600 बाय 50, तो एच की वैल्यू 12 आ जा रही है. दैट्स इट. सो इसे सॉल्व करके एच क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा. यस सर. एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट 12, 6 इनटू 66 सर. यस, दैट्स राइट. लड़का हीरा है सर, सॉल्व कर दिया लड़के ने. हाय हाय, इतना सुकून. बट पता है ये तो हो जाएगा. यस सर. इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा था तुम्हें गुरु दक्षिणा दूंगा, तो लड़के ने सॉल्व किया. बताइए सर, अब इंपॉर्टेंट थी, जहां भी तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे तो क्या स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग के अंदर? मेरे दिमाग के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल से तो सर मुझे वो नाचोस याद आता है सर. आगे स्वाद. नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. हाँ, वो देर आर सम स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 3 4 5 3 4 5 तो हो गया 5 12 13. उसके बाद पता नहीं करते सर. अच्छा, 3 4 5 के बाद नहीं. यहाँ पे एक साइड 5 है. ओके, ठीक है. एंड इफ द अदर टू साइड्स आर इंटीजर्स एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी. पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पॉसिबिलिटीज होती है. यस सर. और भी बहुत सारे हो सकते हैं. बहुत सारे, ठीक है. एच की कुछ भी वैल्यू लो, 25 माइनस एच आएगा. यस सर. बट अगर इंटीजर है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होता है? मेरे ट्रिपलेट, तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है. ओके, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड ट्रिपलेट, 5 12 13. तो ये 5 है, तो अदर टू पॉसिबल साइड्स आर 12 एंड 13. यस सर. देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है. अगर h इक्वल टू 12 लेता हूं तो क्या 25 माइनस 12 13? हाँ यार, 13 हो गया. सेटिस्फाई कर रहा है, तो h 12 तो ऐसे निकल जाता सर. तो इट मींस h इज इक्वल टू 12. मैं फालतू यहां पे घोड़ेगिरी कर रहा था सर. बिल्कुल, पहले क्यों नहीं बताया सर आपने? मुझे लगा तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा. आर यू कॉमेडी मी सर? मैं बहुत कोशिश करता हूँ रटने का, मेरे से होता ही नहीं है, रट्टा नहीं हो पाता. अच्छा, एक टेक्निक बताता हूँ ट्रिपलेट्स अगर याद भूल गए तो कैसे तुरंत ऑन द स्पॉट याद करने का. याद ट्रिपलेट्स की याद हाँ कुछ होते हैं क्या सर? बिल्कुल. अरे बता दीजिए सर, गरीब झाड़ू लगाओ फिर मैं बताता हूँ. अब एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तुम्हें पता है ये तो पता है सर. ठीक है, तो आएगा कैसे? देखो 3 है, हाँ, इसका स्क्वायर ले लो. व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9 9. और इसको डिवाइड कर दो तुम 2 से, क्या आएगा? 4.5. इसमें प्लस माइनस 0.5 कर दो तो क्या आ गया? 4 and 5. और आई कैन से 4.5 lies between 4 and 5. Yes, isn't it? बिल्कुल. So my triplet is nothing but that is 3. और यार, yes. अब कोई भी odd number लो. Let's say 5. 5 का square क्या होता है? 25. So what is 25 by 2? 12.5. किस-किस के बीच में? 12 and 13. So another triplet is 5. Perfect, yaar. Means one of the sides of a right angle triangle is 5, and if the other two sides are integers, then the possibilities they are 12 and 13. तो सर मैं ऐसे तो कोई भी नंबर का वो निकाल सकता हूँ. तुम्हीं निकालोगे? बताओ, मैं यहाँ पे पेन रखता हूँ. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ. 7. 7 का स्क्वायर? 49. 49 का हाफ? 24.5. किसके बीच में लाई करता है? 24, 25. तो 7, 24, 25 is another triplet. Square? 9 square 81 का हाफ? 40.5. तो क्या हो गया? 40 and 41. So 9 40 41 is another triplet. सर मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग. 11 का स्क्वायर? 11 का स्क्वायर 121 सर. 121 का हाफ? 121 का हाफ 60.5. तो 60 है? 61. So 11 68 61. सर मजा आया. You can find out all the triplets with starting with odd number. सर सारे triplets ऑड नंबर से क्यों बनते हैं सर? इवन के लिए भी बना लेते हैं, ट्रिक है इसके लिए भी. 4, हाँ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 16. तो 4 स्क्वायर इज 16, और इसे 4 से डिवाइड करना है. ओ, ऑड के केस में 2 से स्क्वायर लेके. अब 4 स्क्वायर बाय 4, 16 बाय 4 इज हाउ मच? 4. 4, तो इसमें प्लस माइनस 1 करना है. ये किसके बीच में लाई करेगा? 2 इमीडिएट इंटीजर्स, 3 and 5 के बीच में. वन ऑफ द ट्रिपलेट इज 4 3 and 5. व्हाट इज 6 स्क्वायर? 36. तो 36 बाय 4, दैट इज 9. 9 and 9 plus minus 1
8 एंड 10, तो 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट है। अच्छा होता है क्या? बिल्कुल, 6 स्क्वायर क्या होता है? हाँ हाँ, बताओ जल्दी। 36, 8 स्क्वायर 64, एंड 36 प्लस 64 100, व्हिच इज अ स्क्वायर ऑफ 10 स्क्वायर, हो गया। यस मास्टर जी, 8 स्क्वायर 64, 64 का बाई 4 किसके बीच में लाइक करता है 16? 15 और 17, तो एक अनदर ट्रिपलेट 8 15 है 17। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं आज तक इसको रट्टा मार के बैठा हुआ था। हाँ। मेरे को दो तीन ट्रिपलेट्स याद रहते थे, उसके बाद भूल जाता था। तो 3 4 5 ही एक मात्र जिंदगी में जिसने आज तक बहुत ज्यादा यूज भी होता है 3 4 5, आज तक उसने मेरा साथ निभाया सर, उसने धोखा नहीं दिया। आज पहली बार मुझे उसके बाद के ट्रिपलेट की जरूरत पड़ी और सर ये फॉर्मूला मुझे याद रखा। थैंक यू सो मच सर जी। तो कैसा लगा सर का धमाकेदार धांसू परफॉर्मेंस यहाँ पे? मेरे लिए तो ये सरप्राइज था, सीरियसली यार मुझे भी नहीं पता था कि सर ऐसा कुछ ट्रिपलेट वाला कुछ फेंकने वाले गुरु दक्षिणा। थैंक यू वेरी मच फॉर द गुरु दक्षिणा, आई एम वेरी श्योर यू ऑल्सो लाइक दिस गुरु दक्षिणा। अगर पसंद आई है तो प्लीज यार इसको फटाफट लाइक कर दो, शेयर करो, कोई भी डाउट बच गया दिमाग में फटाफट कमेंट में जाकर के डाल दो। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाएगा, शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो टाटा एडियोस, बाय बाय गाइस, जय हिंद।